तो आप ये सारा कंप्यूटर या ये एरिया चल रहे हैं, तो मैं इधर बैठने वाला हूँ, कैमरे के पीछे मेरी बहन है, थैंक यू। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये वाला एरिया, मेरी बहन ही आपको बताएगी जो फोन पर एक्चुअली करके है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर बच्चे मोस्टली बैठते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया पोस्ट भी है, मतलब अगर आप लेटर्स वगैरह भेजना चाहते हो अपने फैमिलीज़ को तो ये भी भेज सकते हो। ये तो आप समझो, पता है क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, LPU का 10% दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये है किचन वगैरह जो आप देख सकते हो, गर्म पानी सब कुछ इधर, सब कुछ है। बाहर कूलर भी है, जो वाटर फिल्टर सब है। तो इधर से लेफ्ट साइड से रूम है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये है रूम, आप देख सकते हो कितने ही मस्त है, डबल बेड लगा हुआ है, टीवी वगैरह सब लगी हुई है इधर। ये आप देख सकते हो पार्किंग एरिया यहाँ पे, तो वो आप सीधा देख रहे हो, उधर ही हम रह रहे हैं पर ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये देख सकते हो आप LPU के नज़ारे, और इस वक्त अंधेरा भी हो चुका है, थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो जितना होगा आपको दिखाएंगे करते हैं। चलो आगे मिलते हैं आपको अब सीधा। तो दोस्तों आते आते मैं ना, जैसे ही मैं पार्किंग से आया, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो मैं सीधा सो गया। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ पता नहीं कौन से कोने में LPU के, क्योंकि इधर कोने बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है। पर मेरी बहन मेरे साथ है, मुझे गाइड कर रही है। तो आप देख सकते हो सामने कंप्यूटिंग रखा है। तो बहन बोलो ये कौन सा एरिया है ये ये LPU का? एक्चुअली हमारा बेसिकली बीटेक वाला साइड है, जहाँ पर CSE वगैरह के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे से हमारा एडमिशन ब्लॉक आ जाएगा, ओके। मेन एडमिशन्स का प्रोसीजर जहाँ तो शुरू ये होगा। वाला CSE का एरिया है यस, सारा, ये CSE का है। फिर पीछे से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिल जाएगा तो आपको। उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ, आपका डिपार्टमेंट इसी मेरा ये के बस इसके अराउंड बैक ही साइड है। पे। हाँ, तो बिल्कुल मुझे एक चीज़ बिल्कुल। बताओ, ये सामने क्या चीज़ बनाई है, कुछ अनोखी सी? ये रोबोट, इसको हम रोबो पार्क भी कहते हैं। रोबोट अच्छा सा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ओके ग्रैंड और ह्यूज है। ओके एंड उसके बिल्कुल आगे जाके देखोगे आप, यूनिपॉलिस है ना, ओपन ऑडिटोरियम है, बहुत ओके बड़ा है, वो भी ओके काफी ओके ह्यूज है। हाँ तो चलो आगे और चलते हैं, कुछ और दिखाओगे आप हमें? हाँ बिल्कुल, चलो तो चलो चलो चलो। आपको आगे मिलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मैं रात को इधर चल रहा हूँ, मेरी बहन भी साथ में चल रही है, मुझे बहन अपनी गाइड कर रही है यहाँ पे। मुझे ना बिल्कुल इधर ना ग्रीनरी बहुत है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ग्रीनरी बहुत है, वाइब्स ही अलग है। तो बहुत बड़ा एरिया है, मुझे नहीं लगता इधर कोई पूरा एरिया कवर कर सकता है। हाँ स्टूडेंट होगा वो कोई कवर कर सकता है ये वाला एरिया सारा, पर ऐसे कोई नहीं कर सकता। चलो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा, दिन का व्लॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि ना मुझे कल वापस निकलना है घर की तरफ, तो जितना होगा उतना दिखाएंगे आपको, बने रहे आप वीडियो में। देख सकते हो आप ये सारा कंप्यूटिंग है, ये एरिया चल रहे हैं। तो मैं इधर बैठने वाला हूँ, कैमरे के पीछे मेरी बहन है, थैंक यू। तो अब मैं आपको बताऊँगा ये वाला एरिया, मेरी बहन ही आपको बताएगी जो फोन एक्चुअली पकड़ के है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर बच्चे मोस्टली बैठते हैं। ठीक अच्छा है, ये सिटिंग एरिया है, बहुत सारे सिटिंग एरियाज हैं यहाँ पर, तो ये वन ऑफ देम है। एंड यहाँ से हमारे ये ब्लॉक्स है। फाइन, यहाँ पर ग्रीनरी तो बहुत है, ये हमारा रोबोट है और यहाँ पर रोबो पार्क है सारा। तो रात को ना वीडियो जस्टिस नहीं कर पाएगी इस एरिया को, तो मैं कोशिश करूँगा मेरी बहन ना थोड़ा आपको वीडियो भेज दे, मुझे वीडियो भेजेगी, मैं अटैच कर दूंगा ये वाले डेफिनेटली। एरिया का। तो जितना हो सकेगा दिखाएंगे आपको, बाकी ना बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू बहन। तो अब मैं आपको असली चीज़ बताता हूँ, मेरी बहन जो वीडियो में कैमरा पकड़ रही है वो कौन है असली, इधर क्या काम है उसका? तो मेरी बहन ने इधर जॉब करती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे। तो इसलिए हमने सोचा था, मेरी फैमिली भी आई है साथ में, तो हमने सोचा चलो बहन को भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम जहाँ पे रह रहे हैं ना वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जो स्टाफ वगैरह होते हैं इधर के, उनको ये वाली बेसिक फैसिलिटी सारी, फैमिली आती है उनके लिए रहने के लिए मिलता है सारा, वो सारी प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब नॉर्मल कोई आएगा उनको नहीं दिया जाता है, जो स्टाफ मेंबर है उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो वो भी आपको दिखाएंगे, आगे बने रहें आप। तो देखो गाइस वो ऑटो भाग रहा है यहाँ पे, ये देखा आपने जो ऑटो गया। अब ये यहाँ से पता क्यों जा रहा है, जो बाहर से बंदे आते हैं ना, इधर चलना बहुत पैदल मुश्किल है। देख सकते हो रात को ये स्टूडेंट्स हैं सारे, वो चल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है,
तो इधर प्रॉपर ना प्रॉपर अच्छी तरह गाड़ियों के लिए बनाया है, ये जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं बहुत अच्छी तरह लगाए गए हैं। तो इधर हम जब दिन को आए थे ना, ये देख सकते हो आप, डोमिनोज भी अभी गया, और डोमिनोज ना रात के 12 बजे तक इधर चल सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये देखिए कितना यार, मुझे लगता है जैसे मैं कहीं अमेरिका पे आ गया हूँ, अमेरिका वगैरह में आ गया हूँ ना। मुझे चलो वीज़ा तो कभी मैंने अप्लाई नहीं किया अमेरिका का, चलो इधर के ही मुझे फील आ रहा है कि मैं अमेरिका में आ चुका हूँ। तो चलो चलते हैं अब आगे। तो इधर हर जगह ना आपको डिसिप्लिन, सफाई, तो ये देखिए ये भी कोई डिपार्टमेंट है, आगे बाई आ रहा है कोई, आगे से चल के लाइब्रेरी में भी होगी, वो देख सकते हो आप। हॉस्टल ऊपर, रात को ना वीडियो नहीं बनती रहती है साफ, तो जितना दिखा पाऊंगा मैं आपको दिखा लूंगा, आप प्लीज़ मैनेज कर लेना वीडियो में। तो आप देख सकते हो लोग, बच्चे चल रहे हैं इस वक्त बड़े मज़े से, और ये ऊपर हॉस्टल देख सकते हो, वहाँ से कैफेटेरिया एरिया। समीत बताना उधर का कुछ, आप हाँ, बताओ। ये पूरा क्योस है, यहाँ पर कैफेटेरिया है, यहाँ पर ये बड़ा सा वो बस खुला हुआ है, रिसेंटली हाँ, खुला हुआ है हाँ, तो यहाँ पर भी अंदर सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है हाँ, आप आराम से बैठो, चिल करो और खाओ पियो ऐश करो। और यहाँ से ये सारे क्योस है, जैसे जूस कॉर्नर है, बर्गर कॉर्नर है, जो मर्जी आपने खाना है सब कुछ मिलेगा यहाँ। चलो थोड़ा दिखा दें क्या? हाँ हाँ चलो, लेट्स गो। ओके, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे खाने पीने का है, यहाँ पे बहुत ही मस्त है यार। चलो अब चलते हैं वापस। भाई मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। अरे यहाँ पे मतलब LPO आपको दिन का सपने दिखाया होगा, पर रात का किसने दिखाया होगा बताओ? मैं ही दिखा रहा हूँ ना, सच बताना। चलो चलते। तो देखो स्टूडेंट्स वगैरह जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए, कोई नहीं खाता मैस का ना बार बार, तो ये बर्गर बर्गर तो सारे खाते हैं। चलो, और ये देख सकते हो आप सिक्योरिटी, यहाँ पे हर एक जगह सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं। तो ये लेफ्ट साइड आप देख रहे हो ना, मेरी बहन चल रही है, तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है ना प्लीज़ बता देना आप इनको जानते हो कोई। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया पोस्ट भी है, मतलब अगर आप लेटर्स वगैरह भेजना चाहते हो अपने फैमिलीज़ को तो ये भी भेज सकते हो। ये तो आप समझो, पता है क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, LPU का 10% दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे बताओ स्मित, इधर मॉल्स भी है मैंने सुना है सारा, अब ऐसे में तो आया हूँ पहले भी। हाँ, इधर मॉल भी है, ये हाँ, मॉल है बहुत बड़ा, 9 फ्लोर्स का मॉल है, 9 to 10 फ्लोर्स का। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो बैंक है, यहाँ पर 5 to 6 बैंक है, यहाँ पर ATMs तो बहुत सारे हैं। ओके, हाँ बहुत सारे ATMs हैं एंड फैसिलिटीज तो पता ही है। तो ये कुछ लवली बेक स्टूडियो नजर आ रहा है यहाँ पे। हाँ, ये एक लवली बेक स्टूडियो है, एंड एक जो लवली बेक स्टूडियो है वो लवली, वो प्रॉपर बड़ा सा है बेकरी, वो हमारा मॉल में है। ओके, तो हम इधर ही रह रहे हैं राइट साइड पे, पार्किंग भी उधर ही लगाई है हमने गाड़ी की। तो आपने देखी होगा स्टार्टिंग में मैंने जब पार्किंग लगाई थी गाड़ी वहाँ से, तो आपको अंदर भी दिखाएंगे जहाँ पे रह रहे हैं हम। तो गाइज आप ये देख सकते हो, ये सारा जो देख रहे हो ना, ये ऐसे ये वाली शेप में, तो ये है स्विमिंग पूल यहाँ का, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है ये। पता है कौन सा स्विमिंग पूल है जहाँ पे वो, यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो रेसिंग करते हैं क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग करके वो फर्स्ट, तीन स्विमिंग पूल है यहाँ पे, तो यही है कुछ, ये है कुछ यहाँ जहाँ पे हम रह रहे हैं वो आप देख सकते हो। ऊपर गेस्ट रूम लिखा है, तो आपको सीधा अंदर दिखाऊंगा मैं अब जाके। तो गाइस ये मैं रूम में घुस रहा हूँ, आप देख सकते हो, तो इसको करते हैं बंद। तो
तो ये है रूम जो हमें मिला गया है, जो मेरी बहन ने हमें मतलब पहले ही अरेंज करा के रखा था। तो ये है किचन वगैरह जो आप देख सकते हो, गर्म पानी सब कुछ इधर सब कुछ है, बाहर कूलर भी है जो वाटर फिल्टर सब है। तो इधर से लेफ्ट साइड से रूम है वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये है रूम, आप देख सकते हो कितने ही मस्त है, डबल बेड लगा हुआ है, टीवी वगैरह सब लगी हुई है इधर, देखो टाटा स्काई भी लगा है, देखो आराम से जो देखना है सब कुछ मस्त है। और ये अलमीरा वगैरह भी है, एसी भी लगा है। तो यहाँ से अटैच वॉशरूम भी है, ये बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, मतलब हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो गाइस इतना ही था वीडियो में, ये सारी जो अरेंजमेंट है ये सारी मेरी सिस्टर ने करके रखी थी यहाँ पे। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।